हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। देखो, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स बनाती है, मशीन ए बी सी तीनों के लिखे हुए यहाँ पे, ऑफ देयर आउटपुट है इतने परसेंट जो है डिफेक्टिव बोल्ट्स है। तो बोल्ट ड्रॉन किया आपने, वो डिफेक्टिव निकला, प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो मशीन बी में से। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले लेट कर लो आप यहाँ पर, लेट ए बी द इवेंट इवेंट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव निकला है वो, ना? ठीक है। अब देखो, तीन आपके सामान में मशीन दे रखी है, तो मैं इवन डिनोट कर रहा हूं। इवन से यहां पर बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए के लिए, ई टू हम मान रहे हैं बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी, और ई थ्री हम मान रहे हैं बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ अपने प्रोबेबिलिटी पर। अब देखो, सबसे पहले जो बोल्ट वन के लिए आपको दे रखा है यहाँ पे 21 25%, आप चाहो तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ई फॉर ई टू 35%, ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो पॉइंट्स में लिख सकते हो, और इसको भी चाहो तो 0.25 पॉइंट में लिख सकते हो ना। और प्रोबेबिलिटी फॉर ई थ्री, ये आपको 40/100 दे रखी है, ये पॉइंट में लिख सकते हो, 0.40, ठीक है, या फिर चाहो तो फ्रैक्शन में लिख देना। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी व्हेन बोल्ट इज डिफेक्टिव एंड इट इज फ्रॉम मशीन ए, तो उसके लिए आपको दे रखा है देखो 5%, यानी 5/100। व्हेन बोल्ट इज डिफेक्टिव एंड इट इज फ्रॉम मशीन टू, आप लिख लेना यहां पे, है ना, 4%, 0.04। एंड ए स्लैश ई थ्री मीन्स 2%, 0.02। अब मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया? आ गया? बिल्कुल सर आ गया। अब देखना, अब मैं ये कह रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी निकालो। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट मैन्युफैक्चर, मतलब बोल्ट है वो तो डिफेक्टिव है, वो तो डिफेक्टिव है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी ने बनाया, तो बी के लिए हम किसको डिनोट करेंगे, हम ई टू को डिनोट करेंगे ना। अब आपको बेस थ्योरम आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू डॉट प्रोबेबिलिटी ए स्लैश ई टू इज गिवेन, एंड नीचे क्या आएगा आपके पास, टोटल लाइक दैट, है ना, प्लस पीई टू, पी ए स्लैश ई टू प्लस पीई थ्री डॉट पी ए स्लैश ई थ्री। आया कुछ समझ में? हाँ सर आ गए। अब इनकी वैल्यूज रखो आप। सर ई टू, ई टू, ई टू, ई टू 0.35 मल्टीप्लाई ए 0.04 डिवाइड पर आ जाओ। ई वन की कितनी है, 0.25 मल्टीप्लाई इसकी है 0.05 प्लस ई टू की भी ऊपर लिखी थी 0.35, 0.04 प्लस इसकी 0.40 भी लिख सकते हो, और ओनली 4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, और ये है 0.02। ओके, अब आपको इसको करना है मल्टीप्लाई, 35 4 से कितना हो जाएगा, 35 70, 140, 40 कितने पॉइंट हो गए, 2 2 4, नीचे आ जाओ इसको करो, 25 5 125 पॉइंट्स काउंट करो, 2 और 2 4 प्लस 35 4 अभी निकाला 0.0140 प्लस 42 80 पॉइंट्स काउंट करो 4। अब मुझे बताओ यहां तक किसको डाउट है, सिंपल है कैलकुलेशन। अब आप इसको ऐड कर दो, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, कितना आ गया आपके पास, 0.0140, 0140 नीचे देखो, 0.0125 प्लस 0.0140 प्लस 0.0080, यही वैल्यू है, ठीक है। अब आप इनको ऐड करो, देखो 0.0125, 0.0140, 0.0080, ये 5 आया,
ठीक है, 8 2 10 14 हुआ और ये 3 हुआ, ये 0 हुआ, 0 पॉइंट हुआ, इतना आ गया 0.0140 डिवाइड में आया 0.0345। ये देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट 4 डिजिट, तो पॉइंट टू पॉइंट कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया 140.345। अच्छा 5 से कट कर दें, 5 2 10 5 8 40, 5 6 30 5 9 45। अब मुझे बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया। 28/69 इज आवर आंसर, तो लिख सकता हूं मैं यहां पर हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी इज 28/69 इज आंसर। क्लियर है यहां पे? एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीटेड।